यदि आपकी कोई एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट के अंदर इमेज बैकग्राउंड लगी है या फिर आपके एक्सेल शीट के बैकग्राउंड में कलर डला है, तो इन दोनों को रिमूव कैसे करें, कैसे हम बैकग्राउंड चीजों को रिमूव कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक शुरू देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं हम इमेजेस को कैसे रिमूव करें, अगर इमेज बैकग्राउंड हमारे एक्सेल शीट के अंदर है उसको कैसे रिमूव करें। तो देखिए यहाँ पर इमेज बैकग्राउंड लगा है। अब इसे रिमूव करने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पर है डिलीट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इमेज बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है कलर की, कलर कैसे करते हैं रिमूव। तो सिंपल, हमारी इस सीट के अंदर कलर बना है तो आपको यहाँ पर स्विच पर क्लिक करना है तो पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। एंड होम पर जाना है, होम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है बकेट पर, बकेट की स्विच पर सिलेक्ट करेंगे तो नो फिल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नो फिल पे क्लिक करेंगे तो आपकी बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा एक्सेल शीट के अंदर। तो इस तरह से इमेज बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर एक्सेल शीट के रिमूव किया जाता है। आई होप आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।